दोस्तों अगर अभी तक आपने ये सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बार को दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। हे दोस्तों, कैसे आप लोग, और मैं हूँ बिल और आप देख रहे हैं बिल्लू टेक्निकल। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी को जो है टॉप 5 गेमिंग माउस अंडर 500 रुपीज़ बता सकूँ। दोस्तों ये सभी माउस बेस्ट तो नहीं पर गेमिंग माउस रहेंगे और वो भी 500 रुपीज़ के बजट के नीचे। और दोस्तों ये सब जो है आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे और यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को जो आज ये माउस बताने वाला हूँ ये सब जो है वारंटी और सब मेरे तरफ से गारंटी की तरफ से आ रहे हैं। और दोस्तों ये सब जो है रिक्वेस्ट पे है कि कोई अच्छा सा गेमिंग माउस पता है कि 500 रुपये के बजट के नीचे, तो दोस्तों ये वीडियो उन्हीं लिख के लिए है। तो दोस्तों पहले नंबर पे जो है वो है ड्रैगन वॉर का माउस, जिसका नाम है ड्रैगन वॉर एमीरा LAG11 गेमिंग माउस। दोस्तों इसकी कीमत जो है 424 रुपीस है। दोस्तों ये ब्लैक कलर में जो है इसकी फिनिशिंग आती है वो बहुत ही अच्छी है। और इसके जो है आपको जो इसका DPI बटन मिलता है, दोस्तों ये जो है 8 प्रोग्राम की इसके साथ आती है। और दोस्तों इसका जो DPI है वो है दोस्तों 3200 DPI। इसमें आप जो है 800, 1600 और 2400 तक चेंज कर सकते हैं आप कोई भी। और दोस्तों इसमें जो है LED लाइट्स के साथ भी आता है, तो यह भी बहुत ही एक अच्छा फीचर है। और दोस्तों दूसरा जो माउस है वो है हमारा मर्क्यूरी वर्टेक्स का जो माउस है, मर्क्यूरी वर्टेक्स MGX 2000 अल्ट्रा गेमिंग माउस। दोस्तों इसकी कीमत भी कुछ लगभग सेम ही है, 429 रुपीज़। दोस्तों ये जो है आपको 2400 DPI तक आता है। दोस्तों ये जो है बहुत अच्छे कलर लाइटनिंग के साथ आता है। और दोस्तों ये इसकी जो लाइट है वो हर DPI पे बदलती रहती है। और दोस्तों इसका लुक भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा लुक के साथ आती है। और दोस्तों ये 3-4 कलर्स में आता है, तो दोस्तों ये भी आप एक ले सकते हैं। या फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम, वो है मर्क्यूरी का ही मर्क्यूरी वर्टेक्स MGX 1000 अल्ट्रा गेमिंग माउस। दोस्तों इसकी कीमत कुछ अच्छी है, 399 रुपीस। दोस्तों ये माउस भी उसी की तरह है पर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। इसमें जो आपको ज़्यादा लाइटनिंग देखने को नहीं मिलती, जो स्क्रोल बटन है वहाँ पर लाइटनिंग देखने को मिलती है। और इसका जो गेमिंग लुक है वह भी बहुत दोस्तों अच्छा लुक है, तो आप इसे भी जो है रिकमेंडेड कर सकते हैं। दोस्तों इसकी भी जो कीमत है वो 399 रुपीज़, और इसका जो DPI है वो भी 2400 DPI के साथ आता है। प्लग एंड प्ले है और एक कलर जैसे कि मैंने आपको बताया, और 1 साल की वारंटी के साथ आता है। दोस्तों अभी आ जाते हैं चौथे नंबर के माउस पे। दोस्तों वो है हैविट की तरफ से। दोस्तों ये मैं भी खुद यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत ही अच्छा माउस है इस प्राइस में। ये है हैविट का HVMS 736 गेमिंग माउस। दोस्तों इसकी जो कीमत है वो है 390 रुपीस। और दोस्तों ये जो है पूरी तरीके से जो है कलरेबल है, इसमें जो है हाली आपको जो है ज़्यादा प्रोग्रामेबल कीस नहीं मिलते। इसका दोस्तों जो DPI है वो है 1200 DPI, और ये दोस्तों 7 कलर से इसमें, तो ये हर मीन्स 1-2 सेकेंड में कलर बदलते रहता है बार बार। तो दोस्तों आप इसे भी रिकमेंडेड कर सकते हैं मेरी तरफ से, तो इसको आउट ऑफ 5 है। अभी आ जाते हैं दोस्तों लास्ट माउस पे। दोस्तों वो है जो हमारा मार्वो का नहीं है। दोस्तों ये मैंने इसीलिए चुना है क्योंकि इसकी प्राइस के हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है, आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये है मार्वो का स्कॉर्पियन गोल्ड M310 गेमिंग माउस। दोस्तों इसकी कीमत मुझे पता है थोड़े बजट के बाहर है, 560 रुपीज़, पर दोस्तों ये इस लगभग इस रेंज को, इस रुपए को भी क्रॉस कर देगा। ऐसे इसके अंदर जो फीचर्स है, 6 बटन्स के साथ आता है, USB जो कि 2.0 और 3.0 दोनों सपोर्ट करता है, ऑप्टिकल सेंसर भी दोस्तों इसको दिया गया है। और दोस्तों मैं कहूँगा अगर आपको इस रेंज में ये मिल रहा है तो आप दोस्तों ज़रूर लीजिए। जब मैंने अपना हैविट का माउस लिया था तभी तो ये फ़िलहाल नहीं था, इसलिए मैं तो नहीं ले पाया। पर दोस्तों मैं आपको ज़रूर रिकमेंडेड करूँगा कि अगर आप कोई गेमिंग माउस देख रहे हैं तो ये मार्वो का है। अभी दोस्तों मैंने आपको टॉप 5 गेमिंग माउस बता दिए हैं, इनमें से आपको कौन सा लेना है और कौन सा नहीं वो आपके ऊपर है। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।